मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से नहीं मिल पाई उनकी भांजियां। पुलिस लाइन के गेट पर जमकर की नारेबाजी। टीकमगढ़ में व्यापम पास विद्यार्थियों ने शिवराज सिंह चौहान को अल्प समय में टीकमगढ़ आने के कारण ज्ञापन नहीं सौंप पाए। मुख्यमंत्री की भांजियों ने पुलिस लाइन के गेट पर जमकर की नारेबाजी। नियुक्ति दो या मुक्ति दो के नारे लगाए। सीएम की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनको अंदर जाने नहीं दिया। उनकी मांग थी कि 2018 में व्यापम की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें सभी लोगों ने मेरिट लिस्ट में स्थान पाया, लेकिन आज दिनांक तक काउंसलिंग नहीं हुई, जिसके चलते विद्यार्थियों में आक्रोश देखा गया। उनका कहना है कि वैसे भी बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षकों के पद खाली हैं, विद्यार्थियों की ओवर एज हो रही है, जिसके तहत तो उन्होंने मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान से जल्द ही भर्ती करने का आग्रह किया। मेरा नाम निकेता गंगेले है। समस्या ये है कि शिक्षक मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है, उसमें वेरिफिकेशन को रोक दिया गया है। जैसे तैसे 11 साल में 2011 से 2018 में वैकेंसी तो निकाली गई, परंतु पेपर भी उसमें 6 महीने के अंतराल बाद किया गया। उसके बाद उसमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। अभी कोरोना काल को बहाना बनाते हुए, यातायात को समस्या को खड़ा करते हुए उसको रोक दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। कैसा यातायात की कोई बात? आपने बसें चलाई हुई हैं, सारी प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं, कोई यातायात की समस्या नहीं है। सभी शिक्षार्थी जो विद्यार्थी हैं अपने अपने वाहन से आ रहे हैं। वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी तरह से चल रही थी। 3 दिन सब पूरी प्रक्रिया सुबह से लेकर शाम तक सारे बच्चों ने पूरी तरह से संपन्न की, परंतु मुख्यमंत्री जी ने इसका बहाना बनाकर कि कोरोना काल चल रहा है, इसको स्थगित किया जाता है। चुनाव की कोरोना काल में ये कहते हुए कि मुख्यमंत्री जी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, यातायात की समस्या होगी। अगर मुख्यमंत्री जी सभाएं कर सकते हैं ग्वालियर में, शिवपुरी में, पूरे मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेते हुए चुनाव भी हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने इसको भी नहीं टाला है कि चुनाव कोरोना काल में चुनाव नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें कोरोना डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, परंतु चुनाव तो होंगे तो नियुक्ति क्यों नहीं होंगी? बच्चे बेचारे परेशान हो रहे हैं, 2 साल से बेरोजगार फिर रहे हैं, प्राइवेट वालों ने निकाल दिया है, वो अब कहीं जा नहीं सकते, तो नियुक्ति तो होनी ही चाहिए, वरना हम लोग भूतार हड़ताल पे बैठ जाएंगे, मर जाएंगे और फांसी लगा लेंगे। प्रतिभा तिवारी। क्या समस्या? सर, हमारी ये समस्या है कि हम लोग 2011 से अभी तक शिक्षक भर्ती के लिए मांग कर रहे हैं, जिसकी परीक्षा 2018 में कराई गई, उसके बाद 2 साल से रिजल्ट के बाद हम लोग ज्वाइनिंग की उसकी उसमें है कि हम लोगों की ज्वाइनिंग हो जाए, तो ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही। आज हम लोग सुबह 9 बजे से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, तो उनसे मिलने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने 2 मिनट का टाइम भी हम लोगों को नहीं दिया और बिना मिले ही चले गए। और हम लोगों को हर बार बोल दिया जाता है कि आपको अगली कोई तारीख दे दी जाती है कि अब से वेरिफिकेशन स्टार्ट किया जाएगा। जुलाई में 1 जुलाई से वेरिफिकेशन स्टार्ट किया गया, 3 दिन ही चला और बस उसके बाद वो बंद कर दिया गया। हम लोग इसी इंतज़ार में हैं कि दोबारा कब से प्रक्रिया शुरू हो और कब हम लोगों की नियुक्ति हो। हम लोग इतने मानसिक प्रताड़ित हैं कि कुछ बता नहीं सकते। सर, हम लोग इस तरफ ये चाहते हैं कि हमारी भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण की जाए, क्योंकि हम लोग की स्थिति, आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, हर तरीके से हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग प्राइवेट भी जॉब करते थे, तो प्राइवेट वालों ने ये कह के निकाल दिया कि आपका सरकारी में हो गया, और सरकार वाले हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। कितना समय हो गया आपको? सर, हमें परीक्षा पास किए हुए 2 साल हो गए हैं और 11 साल से बैठे हुए हैं बेरोजगार, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने शिक्षक भर्ती के लिए वैकेंसी ही नहीं निकाली। सर, वही तो, यही तो मेंटली प्रेशर हम लोगों पे है कि जैसे तैसे हम लोग अपना गुजारा कर पा रहे हैं कि कहाँ से लाएं, बच्चे भी हैं, घर परिवार भी चलाना है, इसी मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं कि अब तो बस ये किनारा है हम लोग का, या तो हमें नियुक्ति दो या फिर मुक्ति दो। अब नारे बोलो, तो नारे बोलो, तो नारे बोलो। शिक्षक भर्ती पूर्ण करो, शिक्षक भर्ती पूर्ण करो, नियुक्ति दो या मुक्ति दो, नियुक्ति दो या मुक्ति दो, शिक्षक भर्ती पूर्ण करो, शिक्षक भर्ती पूर्ण करो, शिक्षक भर्ती पूर्ण करो, नियुक्ति दो या मुक्ति दो, नियुक्ति दो या मुक्ति दो, नियुक्ति दो या मुक्ति दो, शिक्षक भर्ती पूर्ण करो। ये कोई आगे